बढ़ाए जिसका जीडीपी बढ़ाए, जैसे मेरा असेंबली में कल डिबेट हुआ था कि असम का कर्ज बढ़ाए। मैं बोला कर्ज किसको मिलता है, जिसको सुटाने का जिसका पावर होता है उनको ही तो मिलता है। आपको बैंक में जाके अगर आपका तनख्वाह 5,000 है आपको साइकिल का लोन मिलेगा, 10,000 है तो स्कूटर का लोन मिलेगा, 20,000 है तो गाड़ी का लोन मिलेगा। तो ये मामला जैसे कांग्रेस वाला पब्लिसिटी करता है वो नहीं, कांग्रेस का समय में भी आप देखो बराबर उनका शासन में ऋण बढ़ा, लेकिन ऋण का साथ जीडीपी कितना बढ़ा। आज मध्य प्रदेश का जीडीपी 13 लाख करोड़ है, 13 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ से जाके 13 लाख करोड़ जीडीपी बना। तो हमें तो जीडीपी में फोकस करना है कि 13 लाख जीडीपी वाला ये प्रदेश है, और जब 13 लाख जीडीपी होता है उनका 3.5% कर्ज मिलता है, ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप कोई बोल सकता है अभी कर्नाटक का कि कर्ज अगले साल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको देखना है इनकम बढ़ा है कि नहीं, प्रदेश का जो जीडीपी वो बढ़ा है कि नहीं। जैसे मेरा आज असम का ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है मेरा असम में, कांग्रेस का समय में वो 70,000 करोड़ था, अभी 1 लाख था, लेकिन कांग्रेस का समय में जीडीपी 2 लाख करोड़ था, अभी मेरा 5.5 लाख करोड़ जीडीपी हो गया। तो आप कर्जा में मत देखो, जीडीपी में देखो। रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो लाडली बहना हो रहा है, जो आप जो दिल्ली में चलता है वो रेवड़ी है, इसलिए आप विकास का बात नहीं बोलता है। अभी जो लाडली बहना है वो तो रेवड़ी नहीं बोलता है ना, उनको तो एकदम हमारा माँ को शक्तिशाली करने का जो प्रयास होता है उससे बड़ा एक बेटा के लिए गर्व का बात क्या होता है। आज तो शिवराज जी ने 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद सिर में ले लिया, अभी कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाएगा, 1.5 करोड़ माँ का, 1.5 करोड़ माँ का साथ टक्कर होगा क्या? कहाँ एक 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद है और कहाँ एक बेचारा थका हुआ व्यक्ति है, कहाँ हो सकता है ये। आप जिस मीडिया से मुखातिब हैं उस मीडिया के एक वर्ग को गठबंधन बायकॉट कर रहा है मीडिया। देखिए ये इसका उनका जो ये नेशा है मीडिया को बायकॉट करना, सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास तो 1975 से शुरू होता है, तो ये कोई नया नहीं, ये आपका रिहर्सल है। अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार आए तो मीडिया को ही ऐसा सेंसर करेगा, लेकिन ठीक समय ने इसरो ने सनराइन बना लिया, पूरा कांग्रेस पार्टी को हम संद्र तक भेज दूंगा कि उधर ही जाके सरकार बनाओ और उधर ही जाके बैन उन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या आप मीडिया के एंकर को बैकअप करना, ऐसे बच्चा का जो क्लास में ये होता है ना, तुम्हारा साथ झगड़ा हो गया चलो तुमको कट्टी दे दिया कांग्रेस का माहौल ऐसा हो गया, वो तो कट्टी दे रहा है, चलो अर्णब गोस्वामी तुम्हारा शहर अच्छा नहीं, कट्टी कट्टी। तो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है।